आज मैं आप सबके साथ लौकी की बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने आधा किलो लौकी लिया है, जिसे घिया भी कहते हैं। इसको अच्छे से धोकर छील लेना है और उसके बाद इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। पीसेस ना तो ज़्यादा बड़े होने चाहिए ना ज़्यादा छोटे। आप गोल भी कट कर सकते हैं। अगर आपकी घिया बड़ी है तो आप इसको बीच में से कट करके इसे हाफ़ में भी काट सकते हैं। लौकी एकदम कच्ची लेनी है, यानी कि उसके बीच ज़्यादा मोटे ना हो। जितनी लौकी फ्रेश और कच्ची होगी उतनी ही टेस्टी बनेगी ये सब्जी। तो सभी पीसेस हमने कट कर लिए हैं। इसमें स्वाद के अनुसार आप नमक ऐड कर लें, साथ में थोड़ा सा हल्दी पाउडर इसमें ऐड किया है मैंने, और आधा चम्मच के करीब मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। 2 चम्मच यहाँ भुना हुआ बेसन ऐड कर रही हूँ। बेसन को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था थोड़ी देर के लिए, और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे हम लौकी के साथ। थोड़ा सा इसमें 1 चम्मच मैं तेल भी ऐड कर रही हूँ। अब दोबारा से एक बार मिक्स कर लेंगे सारे मसालों को तेल के साथ। अब एक तवे पे मैं 1 से 2 चम्मच तेल डाल रही हूँ और उसे फैला लेंगे तेल को अच्छे से तवे पे, और इस पे सारे हमारे लौकी के पीस रख कर उन्हें हमें सेक लेना है। गैस की फ्लेम हम लो टू मीडियम पे रखेंगे घिया को सेकते समय। एक तरफ से सेक जाने के बाद हम इसे पलट लेंगे। घिया कच्ची होती है तो बहुत जल्दी सेक जाती है ये, और दूसरी तरफ से भी हमने इसे ऐसे ही सेक लेना है थोड़ी देर। दोनों तरफ से हमारी घिया सिक चुकी है, तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब एक कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच तेल ले लेंगे। चुटकी भर हींग इसमें डाल देंगे, साथ में डाल देंगे आधा चम्मच जीरे का, 2 लौंग, 1 इलायची, 2 तेज पत्ता। इन सभी मसालों को लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 प्याज, जिन्हें मैंने बारीक चॉप कर लिया है। आप चाहे तो बारीक काट के भी ये प्याज डाल सकते हैं। अच्छे से भून लेना है हमने प्याज को। साथ में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 हरी मिर्च, जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है। साथ में मैं इसमें थोड़ी सी अदरक घिस के डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। अब हमने प्याज को भूनना है जब तक वो ब्राउन नहीं हो जाता, तो अच्छे से प्याज को हमने ब्राउन कर लेना है। प्याज भून गया है तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टमाटर की प्यूरी। अब इसमें थोड़े सूखे मसाले डाल लेंगे। तो सबसे पहले नमक डाल लें थोड़ा, और आधा चम्मच यहाँ मैंने देगी मिर्च यूज़ की है जो इसे बहुत अच्छा कलर देगी। 1/4 चम्मच हल्दी का यूज़ किया है और 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर। सारे मसालों को अच्छे से भून लें एक बार, और उसके बाद इसे ढक कर थोड़ी देर के लिए हम पकने देंगे। घिया देखिए हमारा एकदम सॉफ्ट हो गया है, मसाला अच्छे से भुन गया है हमारा। तो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे 3 बड़े चम्मच दही के। यहाँ मैंने एकदम फ्रेश दही यूज़ किया है। दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए, और गैस का फ्लेम लो करके ही आप इसमें दही ऐड करेंगे तो आपकी दही कभी नहीं फटेगी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच घर की मिलाई के। आप इसमें घर की मिलाई या फ्रेश क्रीम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, पर क्रीम या मिलाई इस सब्ज़ी में ज़रूर डालें। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस सब्ज़ी का। अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिलाई को भी हमारे मसाले के साथ। और देखिए मसाला हमारा पक गया है, इसमें ऑयल नज़र आ रहा है। तो अब मैं इसमें 1 शिमला मिर्च और 1 प्याज, जिन्हें मैंने मोटा मोटा कट कर लिया है, और साथ में घिया जो हमने पहले भून कर रखी थी वो इसमें ऐड कर देंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप पानी का। एक बार इस सब्ज़ी को मिक्स कर लेंगे और ढक कर इसे पकने देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। बीच बीच में आप इसे थोड़ी देर में हिलाते रहिएगा, तो ढक कर इसे पकने दें। 5 मिनट हो गई है और हमारी सब्जी काफ़ी हद तक पक गई है। तो इस टाइम मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच कसूरी मेथी, जिसे मैंने तवे पे थोड़ा सा भून लिया है, और उसके बाद इसमें ऐड करें क्रश करके। साथ में ही फ्रेश धनिया इसमें डाल रही हूँ।
आधा छोटा चम्मच के करीब इसमें मैं गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। इन सबको सब्जी में मिक्स कर लेंगे और दोबारा इसे एक बार ढक कर 3 से 4 मिनट के लिए हम पकने देंगे। देखिए सब्जी हमारी रेडी हो गई है, मसाला अच्छे से पक गया है इसका, तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ मैं इसे गर्मा गर्म रोटी के साथ सर्व किया है मैंने। आप चाहें तो इसे पराठा पूरी किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और इस सब्जी का टेस्ट बहुत ही यमी है। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।